नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका चैनल यात्रा मास्टर पर एक बार फिर से। और आज हम इस वीडियो में पहुंचे हुए हैं माउंट आबू के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नक्की लेक पर। और आज के मॉर्निंग में हमने माउंट आबू में ही अचलगढ़ का दौरा किया था। अचलगढ़ से संबंधित अगर आपको वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, इस प्रसिद्ध लेक के बारे में मैं आपको आज कुछ ऐसी महत्वपूर्ण तथ्य और बातें बताऊँगा जो आज तक आपने इस झील के बारे में नहीं सुनी होगी या जो आपके लिए अभी तक अनसुनी थी, आपको पता नहीं था। तो वीडियो पर पूरे बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, फाइनली हम देखिए पहुंच चुके हैं माउंट आबू का सबसे पॉपुलर पॉइंट है नक्की लेक। नक्की झील पे हैं और आप मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये जो है वो नक्की झील है। मैं आपका एक चारों तरफ होटल्स वगैरह बने हुए हैं ऊपर इसकी झील के किनारे पर। और ये देखिए आप सामने पॉइंट है, अगर आप वोटिंग करना चाहें तो वहाँ से वोट ले सकते हैं और वोटिंग कर सकते हैं। और ये सामने का व्यू पूरा ये देखिए। और इस समय लेक का जो फ्रंट है चारों तरफ एक बहुत ही आलीशान फ्रंट बनाया हुआ है, जगह जगह पॉइंट बने हुए हैं आपके सुस्ताने के लिए। शानदार व्यू दिखता है, आप सुस्ता सकते हैं, बैठ सकते हैं। और ऐसी ही जगह पर हम एक व्यू पॉइंट पे अभी खड़े हैं, आगे चलेंगे, हो सका तो वोटिंग का आनंद भी हम लेंगे, देखें अगर संभव हुआ तो। दोस्तों, नक्की लेक भारत की एकमात्र ऐसी कृत्रिम लेक है जो समुद्र तल की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बनी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं के द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर किया गया था और इसे कहा जाता है कि एक ही रात में बनाया गया था। और नाखूनों से खोदने के कारण इस झील का नाम नक के ऊपर यानी नक झील और फिर बाद में अपभ्रंश होते होते नक्की झील हो गया। दोस्तों, ये सबसे गहरी झीलों में से एक है। इसकी गहराई लगभग 35 मीटर तक की है। इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें और सुंदर बगीचे लगे हुए हैं। झील के किनारे पर स्थित एक पहाड़ी पर एक ऐसी चट्टान है जिसका आकार मेंढक की तरह है, जिसको टॉड रॉक कहा जाता है। इस रॉक को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये मेंढक अभी झील में छलांग लगाने वाला है। झील वोटिंग का लुत्फ उठाने वालों के लिए स्वर्ग की तरह है। अगर आप यहाँ आते हैं तो इस झील में वोटिंग का लुत्फ जरूर उठाएं। यहाँ अलग अलग रेट्स में आपको वोट उपलब्ध हो जाती हैं। दोस्तों, झील के किनारे पर गांधी घाट भी बना हुआ है और गांधी जी की हत्या के बाद 12 फरवरी 1948 का उनको अस्थियों का विसर्जन इसी झील में किया गया था, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों, ये झील माउंट आबू के व्यस्त इलाके में बीचों बीच स्थित है और माउंट आबू के पिकनिक स्थलों में से सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है। अगर आप माउंट आबू घूमने का प्लान बना रहे हैं तो नक्की लेक का भ्रमण अवश्य करें। और यहाँ आने के लिए जो सबसे बेस्ट मौसम है वो मानसून का मौसम बेस्ट रहेगा आपके लिए। और नक्की झील पे अगर आप सैर सपाटा करने निकलें तो मेरी राय ये है आप इवनिंग में ज़रूर जाएं, क्योंकि इवनिंग के समय इस झील का नज़ारा बहुत ही शानदार लुक में रहता है, बहुत ही शानदार दिखाई देता है। इस झील के निर्माण से एक और प्राचीन मान्यता प्रचलित है जिसके अनुसार यहाँ का एक स्थानीय निवासी प्राचीन काल में जिसका नाम रशिया ब्लाम था, वह यहाँ की राजकुमारी से शादी करना चाहता था। तो राजा ने शर्त रखी कि जो एक ही रात में झील की खुदाई करेगा उसके साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। उसने शर्त पूरी की लेकिन राजकुमारी की माँ ने उसके साथ धोखा किया, शादी नहीं की और इस वजह से रशिया ब्लाम ने आत्महत्या कर ली। उनकी याद में झील के किनारे ही एक मंदिर भी बना हुआ है। ये दोस्तों देखिए, झील के बीच में एक छोटा सा ये कोई स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा लगी हुई है और एक छोटा सा टापू बना हुआ है। मैं हर पॉइंट को मिस नहीं करना चाहता। झील के जितने भी सौंदर्य के चारों तरफ के जो पॉइंट हैं उनको सबको कवर करने की मेरी इच्छा है ताकि आपको इस लेक के हर पॉइंट से व्यू मिल सके। ये देखिए, ये मैं दिखाऊँ आपको, विवेकानंद जी की प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पे। स्वामी विवेकानंद युवा प्रेरणा स्रोत, हमारे देश के आध्यात्मिक गुरु, युवा जोश को जगाने वाले स्वामी विवेकानंद। और ये पीछे का व्यू और ये सामने एक छोटा सा गार्डन लगा हुआ है। झील के बीच में ही एक टापू टाइप बना हुआ है इससे नक्की झील में। और ये इधर से मैं आपको दिखाऊं,
पूरा व्यू देखिए, ये बहुत ही शानदार। ये देखिए दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको ये यहाँ के व्यू, इस झील के जो सुंदरता है इसकी, मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हम और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश में जुड़ जाते हैं। दोस्तों, झील के बीच में ही एक क्रूज टाइप का रेस्तरा बना हुआ है, जिसके अंदर आप बैठ करके क्रूज का एहसास कर सकते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के व्यंजन आपको मिल जाएंगे और बच्चों के लिए विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ भी यहाँ उपलब्ध हैं। इसमें बैठ करके आप ये महसूस करेंगे कि जैसे आप झील के बीचों बीच किसी क्रूज पे ट्रैवल कर रहे हैं या क्रूज पे आनंद ले रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि नक्की लेक प्रतिवर्ष एक पर्यटक का बलिदान लेती है, और ये बात आपको यहाँ पर आने पर यहाँ का जो गाइड, प्रत्येक गाइड है वो प्रमुख रूप से हर पर्यटक को बताता है, और उनको बताने का अंदाज ही कुछ इस तरह का होता है। वो बोलते हैं कि हर साल ये झील एक पर्यटक की जल समाधि लेती है और इस साल का कोटा पूरा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सिर्फ एक अट्रैक्शन पैदा करने के लिए और यहाँ के गाइड्स ने ऐसा एक वाक्य बना लिया है जिससे कि जिज्ञासा पैदा होती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, और हाँ, कमेंट जरूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई जगह पर, नए स्थान पर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।